press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्वागत है दोस्तों आपका IELTS with नीरव चैनल पे। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर क्यू कार्ड की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप IELTS की प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मेरी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो। आप एक QR कोड स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो या फिर अगर आपको URL से डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिलेगी। दोस्तों क्यू कार्ड स्पीकिंग एग्जाम में एक मेन एस्पेक्ट है। अगर उसे मैं वहां से निकाल दूं तो बाकी जो दो सेक्शंस है इंट्रोडक्शन एंड क्रॉस क्वेश्चंस उसमें से आप इतना अच्छा स्कोर नहीं बिल्ड कर पाओगे। क्यू कार्ड एक मेन एस्पेक्ट है एंड ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्यू कार्ड में ही प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि मुझे रिलेटेड टॉपिक नहीं मिला, मुझे ऐसा टॉपिक मिला जो मैंने कभी भी देखा नहीं था, मैंने कभी भी प्रिपेयर नहीं किया था, मुझे ऐसा टॉपिक मिला। अब ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी लोगों को होती है। तो यहां पे उसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप भी ऐसा ही कोई प्रॉब्लम फेस कर चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको ये वीडियो अंत तक जरूर से देखना चाहिए। अगर आप पहली बार IELTS दे रहे हो तो भी ये वीडियो को ध्यान से सुनिए ताकि आप भी वो गलती ना करो। अब दोस्तों यहां पे मैं टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करूंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको मिरर के सामने जाना है, आपको अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है, आपको टाइम चेक करना है। वो सारी चीज हर कोई करता है, हर कोई ये चीज तो करता ही है। अगर आपको वो प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए मैंने IELTS स्पीकिंग बूस्टर एप्लीकेशन पब्लिश की हुई है जिसकी मदद से आप प्रॉपर IELTS स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर पाओगे, अपना स्पीकिंग टाइम चेक कर पाओगे, आप उसे रिकॉर्ड कर पाओगे, तो वो सारी चीज वहां पे होगी। तो अगर आपने अब तक वो डाउनलोड नहीं किया तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिलेगी। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये जो प्रॉब्लम है कि हमें टॉपिक जो है वो रिलेटिव नहीं मिला, ऐसा टॉपिक नहीं मिला जो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अब उसका एक सीधा एंड अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि आप जितने हो सके उतने ज्यादा क्यू कार्ड टॉपिक प्रैक्टिस करो। अब आप सोचिए कि वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी जो क्यू कार्ड की एप्लीकेशन है उसमें 400 क्यू कार्ड टॉपिक्स है, 400 क्यू कार्ड टॉपिक्स विद आंसर्स। अब 400 अगर आपके पास एक महीने का समय है तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप 400 क्यू कार्ड टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड वहां पे ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्रैक्टिस की तो वो आप फ्लुएंट ही हो जाओगे। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपने आइडिया सोच लिया कि मैं अगर ये टॉपिक मिलेगा ये बोल दूंगा तो भी आप परफेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे। आपको प्रॉपर प्रैक्टिस हर एक क्यू कार्ड टॉपिक की करनी पड़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि जब आप क्यू कार्ड टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको उस पर थोड़ा और ध्यान देना है। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक लेते हैं या एप्लीकेशन ओपन करते हैं, करो क्यू कार्ड का रेफरेंस लो, प्रैक्टिस करो, फिर वो क्या करते हैं दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। अब बुक या मेरी एप्लीकेशन में आपको इस तरह से मिलेगा, एक स्पोर्ट का टॉपिक है, दूसरा हॉबी का टॉपिक होगा, तीसरा कोई सोशल इश्यू होगा, फोर्थ होगा एनवायरमेंटल इश्यू। तो क्या होता है कि आप एक दिन में 10 क्यू कार्ड टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन सारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है कि जब आप कोई क्यू कार्ड टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने मान लीजिए एक टॉपिक लिया फेवरेट रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट है तो आप बेसिकली फूड के बारे में बात करोगे उसमें। तो अब यहाँ पे आप वो टॉपिक खुद से बनाइए कि फेवरेट फूड का टॉपिक आया तो मैं क्या बोलूंगा, अगर हेल्दी फूड का टॉपिक आया तो मैं क्या बोलूंगा, अनहेल्दी फूड का टॉपिक आया तो मैं क्या बोलूंगा, फास्ट फूड का टॉपिक आया तो मैं क्या बोलूंगा। तो एक टॉपिक लीजिए लेकिन सराउंडिंग टॉपिक्स आप खुद सोचिए कि क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो मैं 100% श्योर हूं कि अगर आप इस तरह से एटलीस्ट जो 100 क्यू कार्ड टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस करोगे, इतने सारे टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे लोग एक दो क्यू कार्ड टॉपिक प्रैक्टिस करते हैं एक टॉपिक के लाइक एनवायरमेंटल इश्यू के और सोचते हैं कि कोई टॉपिक आएगा तो मैं बोल दूंगा, लेकिन वो टाइम पे रिलेट नहीं कर पाते हैं। वो रिलेट नहीं इसलिए कर पाते क्योंकि उन्हें उस साइड कोई आइडिया होता ही नहीं है। अगर आपको कोई अननोन टॉपिक मिला तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा क्योंकि आपका माइंड एक मिनट में कुछ इतना फास्ट काम नहीं करेगा कि वो दो मिनट के स्पीच विद प्रोवर्ब विद हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी सेट कर पाएगा। तो डेफिनेटली अगर वो अननोन टॉपिक है तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, एक क्यू कार्ड टॉपिक आपको लेना है
जिस तरह से मैंने बताया रेस्टोरेंट तो फूड, हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड, फास्ट फूड, सभी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इस तरह करोगे तो डेफिनेटली आप एक एरिया ही स्ट्रांग कर दोगे। तो अगर आपको फूड रिलेटेड कोई भी योगा टॉपिक आएगा तो आप क्विकली आपका आंसर बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है। तो ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ एक टॉपिक लिया तो एक ही टॉपिक पर प्रैक्टिस कीजिए, सराउंडिंग टॉपिक्स खुद बनाइए, बहुत ही इजी है। मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट के बारे में बात करो, फेवरेट फूड क्या है, हेल्दी फूड क्या है, अनहेल्दी फूड क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। रिकॉर्ड करना है खुद का वॉइस, स्पीकिंग टाइम चेक करना है, मिरर के सामने खड़े रहकर बोलना है ताकि आप अपने जेस्चर्स देख पाओ, एक्सप्रेशंस देख पाओ। तो इस तरह से आप ये जो प्रॉब्लम है कि मैंने जो प्रैक्टिस किया था वो क्यों का टॉपिक नहीं आया, तो उसका सॉल्यूशन आप ला सकते हो। तो बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके कि सारे क्यूकार टॉपिक्स को हम कम समय में कैसे कवर कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, मैं वहां पे आपसे बात करूंगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप आने वाले कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करो। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जल्दी एक फ्रेश कॉन्टेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।